मैं निशांत कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं बता दूं कि आज औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पुरहारा में मैं उपस्थित हूं और यहां आज स्वस्थित समादल इनकलाब पार्टी के पूर्व केंद्र मंत्री नागमणि जी इस ग्राम में आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस ग्रामीण में जनसंपर्क को लेकर आप क्या कहेंगे। आप ग्राम में जाके जनसंपर्क कर रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, शोषित इनकलाब पार्टी जो हमने बनाया है जी, तमाम अन्य पार्टियां दिल्ली पटना और जिला मुख्यालय में जा कर के लोक पदाधिकारी बनाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि 80% गांव की आबादी है और गांव में जा कर के लोग को कन्विंस करके पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति है, उसको कन्विंस करके बनाते हैं तो पार्टी काफ़ी मजबूत होगी। और जो शोषित इनकलाब पार्टी का लक्ष्य है कि सभी वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, कुशवाहा समाज अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना, यही कारण है कि कुशवाहा समाज अभी बहुत पीछे है। इसीलिए हम लोग पार्टी ने बिल्कुल डिक्लेयर किया है कि शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनेंगे और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 1 मुसलमान, 1 अति पिछड़ा, 1 दलित, 1 सवर्ण और 1 यादव समाज से भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से बिहार में 6 तरह का ही समाज है और हम लोग सबको प्रॉपर मान सम्मान देते हुए पार्टी को बनाएंगे। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग हसपुरा के पुरहारा गांव में आए हैं और आगे लगातार 5-6 गांव में इसी तरह की बैठक करके हम लोग वहां जा करके और पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। सर, आपको ग्रामीण जनसंपर्क करने से क्या लाभ हो सकता है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। यार, 80% जहां ग्रामीण क्षेत्र का वोट है, जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनेगी। गाँव के लोग ही पर डिपेंड करता है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसलिए सबसे प्रायोरिटी हमारा है गांव में जा कर के लोग को कन्विंस करके पार्टी के जो सिद्धांत है, नीति है, उसको जन जन तक पहुंचाना है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत